चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या यहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े हों। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग यदि चाहते हैं मान सम्मान की ज़िंदगी बसर करना, स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने संतों गुरुओं और महापुरुषों को यूपी की तरह आदर सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग जुर्म जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चार चार बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद, आयरन लेडी, आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप हम सबको दिशा निर्देश देने की कृपा करें। आदरणीय बहन जी, तेलंगाना स्टेट के कोने कोने से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, केंद्रीय व स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधिगण, आप लोग अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं आपके तेलंगाना स्टेट एवं यहाँ की आम जनता तथा विशेषकर एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम ईसाई व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों में कुछ ज़रूरी बातें रखूं, लेकिन उससे पहले यहां मैं देश में समय समय पर जन्मे
अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु परिहार जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तह दिल से नमन करती हूँ, नतमस्तक करती हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर यहाँ खासकर एससी एसटी व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया है और जिनसे प्रेरित होकर व जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। और अब मैं खासकर एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में आरक्षण संबंधी व अनेकों और कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका इन सभी वर्गों के लोगों को अभी तक भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे दुखी होकर ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार से अपने केंद्रीय कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था। और उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जरूरी कानूनी अधिकार आप लोगों को दिए, एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लोगों को दिए और ख़ास तौर से ओबीसी वर्गों के लोगों के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था करके तो उन्होंने ये प्रावधान किया कि देश में जो भी पहली सरकार बनती है वो कांग्रेस की बनी थी सेंट्रल में, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आर्टिकल 340 के तहत तो एससी एसटी को छोड़कर जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग एससी एसटी की तरह हैं, उनको भी जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में खासकर आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पहले कानून मंत्री बने, आज़ाद भारत की जब पहली सरकार बनी उसमें कानून मंत्री बने, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को, केंद्र की सरकार को ये कहा कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन कोटा है वो समय से पूरा होना चाहिए। और इनके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो आप कमीशन बैठाएं, आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बैठाकर जो जातियां छूट गई हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा दें, उनको भी कानूनी अधिकार दें जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने उस समय, केंद्र की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब की बात नहीं मानी और जो उन्होंने आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा दिया तो उसको भी पूरा नहीं किया और ना ही अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी और उसके लिए ना ही कोई कमीशन बैठाया। तो तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मैं अपने लोगों को कानूनी अधिकारों का फायदा नहीं दिला सकता हूँ तो मुझे इस पद पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर भी अपने इन सभी वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर संगठित करने तथा केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी
इन्हें खुद अपने हाथों में लेने के लिए पूरे जी जान से लग गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस्तीफा देने के बाद चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने फिर ये फैसला लिया कि इन लोगों को मैं भाईचारे के आधार पर संगठित करूंगा और इनको इस लायक बनाऊंगा कि ये केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता के मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें। और उसके जरिए जो कानूनी अधिकार मैंने दिए हैं उनका लाभ ये अपने लोगों को दें। लेकिन दुख की बात यह है, उनके ज़्यादा दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़्यादा दिन जीवित ना रहने की वजह से वे अपने इस मकसद में अपने जीते जी कामयाब नहीं हो सके। इतना ही नहीं बल्कि इनके देहांत के बाद इन वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों की वजह से काफ़ी समय तक इनकी ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकी। किंतु इन वर्गों के लोगों को माननीय श्री कांशीराम जी का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए, जिनके त्याग तपस्या व अथक प्रयासों से फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये मूवमेंट बामसेफ DS4 व BSP के राजनीतिक मंच के जरिए काफ़ी कुछ आगे बढ़ी है। और उनके जीते जी व देहांत के बाद भी मैं खुद भी पूरे जी जान से उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगी हुई हूँ, जिसके तहत ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भाईचारे के आधार पर संगठित करके फिर वहाँ मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी को, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, फिर वहाँ मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी को 4 बार अपनी सरकार बनाने का मौका मिला। और वहाँ हमारी पार्टी ने राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी के जरिए इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकारों का पूरा पूरा लाभ दिया है। उनके विकास व उत्थान के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए गए। कानून व्यवस्था को सख्त करके उन्हें स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी मौका दिया गया है। खासकर यूपी में SC ST व OBC वर्गों का सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चला के अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा किया गया। इनको वे अन्य सभी समाज के गरीब एवं बेरोजगार लोगों को भी दूसरी पार्टियों की सरकारों की तरह उन्हें बेरोजगारी भत्ता ना देकर सीधे तौर पर रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक फैशन सा बन गया है नौजवानों की वोट को लेने का। जब भी इलेक्शन होता है, या पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, खासकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ये कहती है कि जब हमारी सरकार बन जाती है, कांग्रेस बोलती है, जब कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो जो नौजवान गरीब बेरोजगार लोग हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन तो उपलब्ध नहीं करा पाएगी, लेकिन उनको बेरोजगारी भत्ता 2-3 हज़ार रुपये जरूर दे देगी। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी इसमें भरोसा नहीं रखती है, इस सोच में, इस नीति में भरोसा नहीं रखती है। और हमने केवल कहानी करके दिखाया, और उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी चारों हुकूमतों में वहाँ पे जो नौजवान गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं, बेरोजगारी भत्ता क्या 4-5 हज़ार रुपये दे दो, उससे क्या आपका घर का खर्चा चल पाएगा? मैं समझती हूँ नहीं चल पाएगा। तो हमारी सरकार ने वहाँ दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता ना देकर गरीब और बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को, हमने बड़े पैमाने पर वहाँ रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पर भूमिहीन गरीब लोग थे उनको खेती करने के लिए हमने 3-3 एकड़ के हिसाब से सरकारी फ्री जमीन भी दी।
लेकिन आपके तेलंगाना स्टेट में मुझे मालूम हुआ यहाँ के आपके तेलंगाना स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री केसीआर के बारे में मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने हमारी सरकार की नकल तो ज़रूर की यहाँ पर, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत में अमली जामा नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको 3-3 एकड़ हम खेती करने के लिए ज़मीन फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल कागजों में ज़रूर ज़मीन दे दी, लेकिन ज़मीनी हकीकत में प्रैक्टिकल में आप लोगों को ज़मीन नहीं दिया। हमने उत्तर प्रदेश में सरकारी खर्चे से गरीब आवासहीनों के पक्के मकान बना कर दिए, जिनके पास अपने घर नहीं थे सरकारी पैसे से हमने पक्के मकान बना कर दिए। और इतना ही नहीं, जो SC ST वर्ग के लोग जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ था अपने छोटे मोटे काम के लिए और वो पैसा नहीं कर्जा अदा नहीं कर पाए थे, हमने सरकार के पैसे से उनका कर्जा अदा किया, कर्जे से मुक्त उनको कराया। हमने ऐसे अनेकों और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिससे इनकी काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना व माननीय श्री कांशीराम जी शहरी विकास योजना के तहत गांवों व शहरों में रहने वाले दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की बस्तियों को भी सभी जरूरी सुविधाओं से जोड़ा है, जिनकी जातिवादी सरकारों में चलते यहाँ हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इनके अलावा सर्व समाज में से गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी काफ़ी कुछ जानकारी आपके स्टेट के लोगों को भी है, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी के रही सरकार ने विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। इनके सम्मान में नव निर्मित जिलों के नाम रखे गए तथा जनहित की अनेकों योजनाएं भी शुरू की गई। इनके आदर सम्मान में ऐतिहासिक स्मारक, गार्डन, पार्क आदि बनाए गए तथा इनकी काफ़ी भव्य प्रतिमाएं भी लगाई गई, जिनकी इन सब मामलों में विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वहाँ काफ़ी उपेक्षा की गई है। जबकि आपके यहाँ तेलंगाना स्टेट में BSP के थोड़ा मजबूत होते ही अब यहाँ की वर्तमान श्री KCR की पार्टी की जो सरकार है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में खासकर SC ST व OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कुछ सरकारी स्थलों के नाम रखने तथा उनकी ऊंची प्रतिमा लगाने व विभिन्न योजनाएं चलाने आदि की भी याद आने लगी है, जिसका वास्तव में पूरा क्रेडिट व श्रेय यहाँ के मौजूदा राज्य सरकार को नहीं जाता है, बल्कि BSP के हर उस छोटे बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि को जाता है, जिनकी वजह से अब यहाँ अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, जिससे घबराकर फिर यहाँ की वर्तमान राज्य सरकार को ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है तो हम उसको बदल देंगे, वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब हमारे लोग इसके खिलाफ मैदान में उतरे तो अपनी इस कमी पर पर्दा डालने के लिए, आपको खुश करने के लिए ये सब नाटकबाजी इनको करनी पड़ी है। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि आपके राज्य सहित पूरे देश में कांग्रेस, BJP
वह अन्य कोई भी जातिवादी पार्टी दिल से ये कतई भी नहीं चाहती है कि यहाँ एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सके तथा इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा पूरा आदर सम्मान मिल सके। इसलिए इनके ऐसे दिखावटी कृत्यों से कार्यशैली से यहाँ एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम व अन्य अकलीत समाज के लोगों का भला होने वाला नहीं है बल्कि इन वर्गों के महान संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान देने के साथ साथ इन लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करके इन्हें खुद के अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को अपने स्टेट में भी यानी कि अपने तेलंगाना स्टेट में भी यूपी की तरह ही विशेषकर एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भाईचारे के आधार पर जोड़ना है तथा यहाँ अपनी पार्टी के जनाधार को कैडर के आधार पर बढ़ाना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी को बीएसपी सदस्यता के जरिए आर्थिक तौर पर मजबूत भी बनाना बहुत ज़रूरी है और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए भी कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद नहीं लेती है बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से व उनके सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद लेकर तब अपनी पार्टी के संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है जो विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगता है। साथ ही बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए खासकर कांग्रेस बीजेपी व अन्य पार्टियों द्वारा आए दिन जो किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को ज़रूर सावधान रहना है और ख़ासकर यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके सावधानी के तौर पर या मैं ये भी कहना चाहूँगी देश के जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी मजबूत हो रही है तो वहाँ विरोधी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित व अन्य कमज़ोर वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए अनेकों दलित एवं पिछड़े वर्ग के संगठन व छोटी छोटी पार्टियां भी काफ़ी बनवा दी गई हैं ताकि चुनाव के दौरान वे अपने हिसाब से यानी कि विरोधी पार्टियां अपने हिसाब से बीएसपी की मजबूत सीटों पर खासकर दलित आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारकर उनका वोट बांट सके जिससे फिर हमारी पार्टी चुनाव में अपना उम्मीदवार ना जिता सके तथा फिर ये पार्टी यानी कि हमारी पार्टी सत्ता से दूर बनी रहे। एक ये भी षड्यंत्र विरोधी पार्टियों का चल रहा है और ये सब हमें आपके स्टेट में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है जिससे आप लोगों को ज़रूर सचेत रहना है अर्थात आपको अपना वोट कतई भी बांटना नहीं है। जबकि बीएसपी के खासकर दलित बेस वोट को तोड़ने के लिए अब सभी विरोधी पार्टियां इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं पुण्यतिथि पर किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करके खूब नाटक करती रहती हैं जिनको यहाँ के जातिवादी लोग वे उनकी पार्टियाँ उनके जीते जी बिल्कुल भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे और ख़ासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिन्होंने देश का संविधान बनाया है उनको भारत रत्न की उपाधि तक से भी सम्मानित नहीं किया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सेंटर की सत्ता में रही। हमारे लोगों ने आंदोलन किया मांग की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए
लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों के इस डिमांड को नहीं माना और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अपनी सत्ता में, यानी कि कांग्रेस जब सेंट्रल में थी तो सत्ता में रहते हुए बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही पिछड़े वर्ग की आरक्षण से संबंधित मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे भी इनकी सरकार ने लागू नहीं किया था। तब फिर बीएसपी ने अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से उनसे इसे ये कह के लागू करवाया था। उस समय जब श्री बीपी सिंह की सरकार सेंट्रल में बनी उनके नेतृत्व में, तो श्री हमारी पार्टी के पहली बार कुछ मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे, खाता खुला था पार्लियामेंट में और मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बनी थी, लोकसभा में मैं चुनकर आई थी। तो उस समय श्री बीपी सिंह ये चाहते थे कि माननीय श्री कांशीराम जी को उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी सरकार में शामिल हो और हम मायावती को जो आप चाहे हम बड़ी मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने माननीय श्री कांशीराम जी ने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें आपके मंत्रालय कोई भी नहीं चाहिए, हमें केवल दो काम चाहिए आपसे, एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से आप सम्मानित कर दो और दूसरा जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाली है उसको लागू कर दो, हमें आपका मंत्रालय नहीं चाहिए। श्री बीपी सिंह जी ने हमारे इस दो बातों को माना, शर्तों को, और तभी फिर उनकी ही सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इनको लोकसभा, आप लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने उनके खिलाफ और सभी हिंदूवादी ताकतों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को लोकसभा में जीत कर सीधा नहीं जाने दिया था। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब के देहांत के बाद इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, राष्ट्रीय झंडे नहीं झुकाए थे। हालांकि इन सब मामलों में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं रही हैं, जो अब सरकारी कार्यों को भी अधिकांश प्राइवेट सेक्टर को ही देकर इनके आरक्षण को ही धीरे धीरे ख़त्म करने में लगी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी इनके लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर एससी व एसटी के कर्मचारियों को अब पदोन्नति में आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन वर्गों के लिए केंद्रीय व राज्य स्तर पर घोषणाएं तो खूब की जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में उनका बहुत कम लाभ ही इन्हें मिल पा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को ऐसी सभी विरोधी पार्टियों के कतई भी बहकावे में नहीं आना है, और आप लोगों को यहाँ की जो वर्तमान राज्य सरकार है तो वो तो आप लोगों को गुमराह करने के लिए तो नंबर वन पर है, किस्म किस्म के नाटक करने में माहिर है, लेकिन आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और इन्हें अपनी केवल आप लोगों को केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही मजबूत बनाकर उसे कामयाब बनाना है, जो कहने में बहुत कम वे कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। अर्थात बीएसपी की कथनी व करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि बीएसपी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। आप लोगों को ये मालूम है यूपी में चार बार हमारी सरकार बनी,
हमने सरकार बनाने से पहले जब हम चुनाव में गए असेंबली के चुनाव में, हमने दूसरी पार्टियों की तरह कोई अपना मैनोफेस्टो जारी नहीं किया। हमने कहा हम पावर में आ जाएंगे तब हम अपना मैनोफेस्टो जारी करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं। हमने चारों बार कोई अपना मैनोफेस्टो जारी नहीं किया और जब सत्ता में आ गए फिर हमने बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आज के तेलंगाना स्टेट में जब भी विधानसभा के आम चुनाव होते हैं तब फिर यहाँ आपको अपने स्टेट में भी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना है। लोग उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव हो, लोकसभा आम चुनाव में भी आपको अपने प्रदेश से पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिता कर लाने हैं, मेंबर पार्लियामेंट जिता कर लाने हैं। वैसे आज आपकी ये जो भीड़ है और भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इस बार आप लोग अपने प्रदेश से लोकसभा का आम चुनाव बाद में होगा लेकिन लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा जो पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा तो विधानसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे तथा अपनी पार्टी की यहाँ हर हालत में जरूर सरकार बनाएंगे। यहाँ अपनी पार्टी की हर हालत में यह जरूर सरकार बनाएंगे और सरकार बनने पर फिर यहाँ आपको पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हर मामले में काबिल व मिशनरी कार्यकर्ता को ही बनाया जाएगा, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अर्थात फिर आपके स्टेट का आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ। अर्थात जब हमें यह सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री या बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री आर एस परवीन कुमार को ही बनाया जाएगा जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वह बीआरएस लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह इस पद पर आसीन होकर फिर यूपी की तरह ही यहाँ अपने लोगों का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये यूपी की तरह ही यहाँ अपने संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरे दिल से आदर सम्मान देंगे और इसके लिए आपके केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम भी मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में वे आर्थिक तौर पर मजबूती देने में भी पूरे जी जान से लगे हैं। मुझे ये मालूम है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ साथ यहाँ पर लोकल जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पार्टी को मजबूत बनाने में पूरे जी जान से लगे हैं। उनसे भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वे यहाँ के स्टेट में होने वाले विधानसभा आम चुनाव व इसके बाद लोकसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने में अपना पूरा पूरा योगदान देंगे, तन मन धन से पार्टी को मजबूत बनाएंगे। ये मेरी यहाँ के जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं और हमारे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मेरी पुरजोर अपील है। आप सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी, सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से भी अपील है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को संविधान, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, यूपी में भी वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की। आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ
कि आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में बीएसपी अब थोड़ा कमज़ोर क्यों हो रही है। बीएसपी कमज़ोर नहीं हो रही है। वहाँ पर जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जन आधार आगे बढ़ा, बराबर बढ़ा। और जब से चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट कहाँ चला गया है। तो उसमें काफ़ी हेरा फेरी की है, धांधली ये की जा, पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है, स्थानीय पार्टी भी कर रही है। लेकिन जब ये लोग ईवीएम में धांधली करते हैं, कभी कभी धांधली करने वाले लोग जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उनका सिस्टम फेल भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ठंडे होकर नहीं बैठना है, तो चाहिए ईवीएम से कराएं, कुछ भी करें, आप लोगों को हर प्रकार की तैयारी करके तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम है यहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं थी। जब आंध्र प्रदेश आपसे आपका पड़ोसी स्टेट है, तो जब ये तेलंगाना उसी का हिस्सा था, तो तेलंगाना के लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे, इस क्षेत्र के लोग, कि उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट में पूरी दमदारी से आवाज़ उठाई और ये कहा कि तेलंगाना अलग से स्टेट बनना चाहिए। ये जब बिल आया तो हमने पूरा सपोर्ट किया, उसके समर्थन में वोट दिया। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके तेलंगाना में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी तादाद में हैं, आदिवासी लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, दलितों की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पिछड़ों की भी, नौजवान लोग इधर बेरोजगार है, यहाँ पर भर्ती होती है, धांधली होती है भर्ती में, घपला होता है। और जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनके आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे लोग जब मैदान में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब ये जांच बिठाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले, आप लोगों की जो अन्य स्थानीय समस्याएं हैं उनका उनका समाधान हो, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या यहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हों, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े हों। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग यदि चाहते हैं मान सम्मान की ज़िंदगी बसर करना, स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने संतों गुरुओं और महापुरुषों को यूपी की तरह आदर सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग जुर्म जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। एक आईएएस ऑफिसर जाके बिहार में नौकरी करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो हत्या में शामिल होता है वहाँ के वर्तमान राज्य सरकार उसको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ का आपका मुख्यमंत्री चुप रहता है और कुछ आवाज़ नहीं उठाता है। बीएसपी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ये गलत हो रहा है, लेकिन यूपी में हमने जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको पूरा न्याय दिया, उनके ऊपर जुर्म जाति नहीं होने दी। हालांकि हमने जो फैसले लिए, दूसरी पार्टियां उसकी नकल करने की पूरी कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वो जातिवादी मानसिकता होने की वजह से उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो लोग उसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से फिर पुरजोर अपील है कि कुछ ही महीनों में असेंबली का चुनाव होगा, आप लोग चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करें, पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं, खास तौर से वीकर सेक्शन में, माइनॉरिटीज़ में, और जो अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको भी तैयार करें, सब समाज को जोड़ें, बहुत बड़ी ताकत बनाएं, जनाधार को बढ़ाएं, और ताकि आप लोगों की अपनी सरकार बने। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से यही रजा लेती हूँ, जय भीम जय भारत। तेलंगाना भरोसा समाज द्वारा ये
ఎంతో చరిత్రాత్మకమైనటువంటి చేసినటువంటి భయ కుమారి మాయావతి గారి మేడం గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేయడానికి మన రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దాగిన దయానందరావు గారు మరి మేడం గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేశారు. మిత్రులారా, తెలంగాణలోని రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, అసెంబ్లీ నాయకులు, ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తరలి వచ్చిన అశేష జనానికి నా యొక్క శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున శుభాభివందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీలకే కాకుండా ముస్లింలకు క్రిస్టియన్లకు అన్ని రకాల ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్ లో 4 సార్లు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందరికీ సమానమైన అధికారాలు పంచిపెట్టిన ఘనత ఉంది మిత్రులారా. అలాగే మహాపురుషులైనటువంటి మన జ్యోతిరావు పూలే, నారాయణ గురు, పెరియార్ రామస్వామి, ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్, మాన్యవర్ కాంచీరామ్, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క విచారధారాల మీద మనము ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా యూపీ లాగా ముందుకు తీసుకెళ్తామని మనం చేస్తున్నాం మిత్రులారా. అలాగే ఇక్కడ అనేక త్యాగాల మీద మనము ఈ యొక్క బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అంబేద్కర్ అందించినటువంటి రిజర్వేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొట్టమొదటి గవర్నమెంట్ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ అవి ఎలాంటి ఇంప్లిమెంట్ అనేది ఈ దేశంలో చేయకపోవడం వల్లనే మనకు అనేక కష్టాలు అనేవి కాంగ్రెస్ పూర్వంగా జరిగినాయని తెలియజేసుకున్నాను మిస్టీవారా. అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీల గురించి అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 340 ఆర్టికల్ ని మనకు రాజ్యాంగబద్ధంగా పొందుపరచడం వల్లనే మనకు ఎన్నో లాభాలు బీసీ ఓబీసీ వర్గాలకు జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. అలాగే మన యొక్క అంబేద్కర్ మొట్టమొదటి లా మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మన అందరికి కూడా సమాన అధికారాలు హక్కులు లభించాలని చెప్పి మనకు రాజ్యాంగబద్ధంగా అందరికీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు అందరికీ న్యాయం చేయాలనే ఆలోచన చేసి జవహర్లాల్ నెహ్రూతో పోరాడి మహిళలకు కూడా సమాన అధికారాలు కావాలని అడిగి బీసీలకు కూడా సమాన అధికారాలు కావాలని చెప్పి వారు దానిని ఒప్పుకోనందుకు వారు వారి యొక్క మంత్రి పదవిని రాజీనామా చేసిన ఘనత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు తెలియజేస్తున్నాం. మనము ఈ దేశంలో రాజ్యాధికారం దక్కించుకోవాలంటే మాస్టర్ కిని అనేది మన చేతికి అందాలి మిత్రులారా. మనము మాస్టర్ కిని చేతిలో ఉంచుకున్నప్పుడే ఈ యొక్క బహుజనుల బతుకులు మారుతాయని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. అలాగే మనము ఆలోచించుకున్నట్టయితే మనకు మాన్యవర్ కాంచీరామ్ గారు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నిర్మాణాని కంటే ముందు మనకు బాంసెఫ్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అలాగే డిఎస్ఓ నిర్మాణం జరిగింది. ఆ తర్వాత బిఎస్పిని స్థాపించడం జరిగింది. ఈ యొక్క మిషన్ ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఎంత పెద్ద జాతీయ పార్టీగా మనం ఆవిర్భవింపజేస్తున్నాం అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఉత్తరప్రదేశ్ లో మనం ఏవైతే సంస్కరణలు చేసినామో ఉత్తరప్రదేశ్ లో 4 సార్లు మెహబూబ్ కుమారి మాయావతి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అన్ని అధికారాలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు నిరుద్యోగులకు అందరికీ ఉపాధి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు కల్పించడం అనేది జరిగింది మిత్రులారా. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏదైతే మనకు ఈరోజు ఇక్కడ కాపీ కొడుతున్నటువంటి కేసీఆర్ ఎవరైతే ఉన్నారో కేవలం పేపర్ల మీద మాత్రమే అవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతున్నాయి కానీ నిజానికి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా మాత్రం ఏమి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు మిత్రులారా. కాబట్టి నేను ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను, మనము ఒకవేళ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని మనం కనుక మనం ఓటేసి గెలిపించుకున్నట్టయితే మహేష్ కుమార్ మాయావతి గారు ఏదైతే యూపీలో మనకు అందించినటువంటి రైతులకు ఎన్నో ఎకరాల భూమిని 100,000 ఎకరాల భూమిని మొట్టమొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఉచితంగా పంచేయడం జరిగింది మిత్రులారా. అలాగే పేపర్ల మీద మాత్రమే ఇక్కడ పంచినట్టు ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చూపించడం జరుగుతుంది. కానీ వాస్తవానికి ఉత్తరప్రదేశ్ లో
అది పూర్తిగా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లే కానివ్వండి, అన్ని కూడా అక్కడ 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఏవైతే పథకాలు అమలు చేశామో అవన్నీ ఇక్కడ అమలుపరుస్తున్నట్టు కేవలం పేపర్ల మీద మాత్రమే భ్రమింపజేస్తున్నాను. కాబట్టి మీరంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ తోటి, బీజేపీతోని, ఈ టీఆర్ఎస్ తోటి వాళ్ళు కళ్ళకొన్ని మాటలు చెప్పి మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారు మిత్రులారా. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మీరు మీ యొక్క రాబోయే ఎన్నికల్లో మనము మన యొక్క నాయకులను గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. ఇప్పుడు మనం కనుక చూసినట్టయితే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మనకు ఒక మహానాయకుడిని ఈరోజు ఉభయ కుమారి మాయావతి గారు రాబోయే రోజులలో మనకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి అలాగే మనము ఈ యొక్క ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కాకుండా ఎంపీ ఎలక్షన్ లో కూడా మనం పెద్ద ఎత్తున మన యొక్క సత్తాను చాటాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. అలాగే మహాపురుషులైనటువంటి మన మహనీయుల యొక్క కట్టడాలు అంబేద్కర్ పార్కే కానివ్వండి, లేదా యూనివర్సిటీయే గౌతమ బుద్ధ యూనివర్సిటీయే కానివ్వండి, ఇంకా మహాపురుషుల పేర్ల మీద అనేక రోడ్ల పేర్లు కానివ్వండి, అనేక సందర్భాలలో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సంస్కరణలు అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏదైతే చేయడం జరిగిందో అది ఇక్కడ తెలంగాణలో రాబోయే రోజుల్లో అవన్నీ ఇంకా అంతకంటే గొప్పగా మనం ఇక్కడ అమలు పట్టుకుందామని చేస్తున్నారా. అలాగే ఏదైతే దళితుల పట్ల దళితుల పట్ల ఘోరానికి ఘోరంగా ఈ కేసీఆర్ నోరు మెలిపకపోవడం అనేది మీరు చూస్తున్నారు మిత్రులారా. మొన్న జరిగినటువంటి బీహార్ లో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కృష్ణయ్య, మన కృష్ణయ్య అనే ఒక దళిత ఆఫీసర్ ని అక్కడ చంపినటువంటి భూటాను జైల్లో పట్టినా కూడా అక్కడ నుండి వాళ్ళు అన్యాయంగా అక్రమంగా ప్రభుత్వం యొక్క విధి విధానాలను మార్చి మరి వారిని విడుదల చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో మనము చట్టాన్ని చాలా గొప్పగా అమలుపరుచుకున్న చరిత్ర మనకు ఉంది మిత్రులారా. అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలే కాకుండా అక్కడ వల్ల పేదలకు కూడా ఎన్నో గొప్ప పథకాలు మనకు ఉత్తరప్రదేశ్ లో అమలుపరచుకోవడం జరిగింది మిత్రులారా. కాబట్టి మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను, మీరంతా కూడా రాబోయే రోజులలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని మహాపురుషుల యొక్క విచారధారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి ఈ యొక్క దేశంలోనే జాతీయ పార్టీ అయినటువంటి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని తెలంగాణ నుంచి నాంది మండలం జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. మిత్రులారా ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు బీజేపీ కానివ్వండి లేదా కాంగ్రెస్ కానివ్వండి మనను కళ్ళకొన్ని మాటలతోని మోసం చేసి ఎక్కడైతే బలంగా బీఎస్పీ ఉందో అక్కడ ఆ బలాన్ని పుంజుకోకుండా ప్రజలను మాయమాటలు చెప్పి డబ్బులతో మభ్యపెట్టి 2,000, 3,000, 5,000 ఇచ్చి మనను మభ్యపెట్టి మనను ఎదగకుండా చేయాలని చూస్తున్నారు. కానీ అసలైన అభివృద్ధి అనేది నిరుద్యోగులకు మనము భరోసా ఇచ్చి ఈ యొక్క సభ భరోసా సభ కాబట్టి ఆ యొక్క భరోసాను మన ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో అదే భరోసాను కలిగించి రాబోయే రోజులలో సత్తాను చాటుతామని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. కాబట్టి మీరంతా కూడా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలిపి వైఎన్ కుమారి మాయావతి కూడా పెద్ద ఎత్తున మీరు ఒక్కసారి హర్షోదాలతో వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేయాలని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. ఇప్పుడు కాబోయే ప్రధానమంత్రి వైఎన్ కుమారి మాయావతి మేడం గారికి తెలంగాణ రాష్ట్రం కాబోయే ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ నరేంద్ర కుమార్ గారు అదే విధంగా రాష్ట్ర నాయకులు అంతా కూడా ఘనమానంతో సత్కరిస్తారు, అదే విధంగా ఏనుగు బొమ్మను జ్ఞాపకంగా అందజేస్తారు. అది ఇప్పుడు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అన్నా క్వీన్ గారు ఓటాన్ తప్ప చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని సభను ముగిస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ తదనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ కూడా వైఎన్ కుమారి మాయావతి గారికి మేడం గారికి జ్ఞాపకాలు అందజేయబోతా ఉన్నారు. కాంచీరావు గారు బ్రతుకున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పిండు, ఎప్పుడైతే ఎక్కడైతే నీది జెండా అదే విధంగా ఏనుగు గుర్తు నేను చనిపోయిన కూడా కనబడుతుందో అక్కడ నేను మళ్ళీ బతుకున్నట్టని ఆయన చేసినటువంటి ప్రకటన ఎగురుతున్నటువంటి ఈ నీలి జెండా సాక్షిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
Oh,
అయ్యో